हार्ड वर्क वर्सेस शॉर्टकट। कहा जाता है कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं, और आज के टाइम पर बहुत सारे लोगों को हम मिलते हैं तो वो हमेशा कोई ना कोई शॉर्टकट ढूंढने के लिए या कुछ ऐसा किया जाए कि तुरंत घर गाड़ी बंगला सब कुछ बन जाए, और ये चीज रियल जिंदगी के अंदर नहीं होता। लॉटरी फिल्मों में लगती है, रियल लाइफ में नहीं। रियल लाइफ में लॉटरी का मतलब एक ही है, मेहनत मेहनत और मेहनत। जितनी ज्यादा मेहनत करोगे उतनी ज्यादा कामयाब होने के चांसेस। मैं एक पर्सन का वीडियो देख रहा था, उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज बताई, तुम शायद आप सब जानते होंगे, अक्षय कुमार को जानते हैं। अक्षय कुमार ने एक बहुत अच्छी चीज कही है, बोला जिंदगी के अंदर अगर कामयाब होना चाहते हो तो अपने पसीने से प्यार करना सीख, अपने पसीने से प्यार करना सीख। जिस दिन आपका पसीना नहीं निकला ना मेहनत करके, समझ जाना वो दिन आपका बेकार है, वो दिन आपकी जिंदगी से निकाल दो। और जिस दिन आपने पसीना बहाया ना वो दिन आपकी जिंदगी बदलने में एक दिन घंटे भी लगा। शॉर्टकट ढूंढने वाले अक्सर लोगों की नैया बीच में डूब जाती है। आज बहुत सारे लोगों के अंदर बहुत टैलेंट है, वो लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत पोटेंशियल है, लेकिन फिर भी अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पा रहे क्योंकि वो अपनी मेहनत को सही जगह पर नहीं लगा रहे, अपने दिमाग को सही जगह नहीं लगा रहे और शॉर्टकट ढूंढने के। और आज लोग शॉर्टकट किस तरीके से मार रहे हैं आप देखना, कि अगर मैंने एक कंपनी के अंदर 10,000 में शुरुआत की, मेरी सैलरी 10,000 है, तो मैं सोचता हूँ 6 महीने मैंने यहाँ सीख लिया, दूसरी कंपनी में जाऊंगा तो मुझे 15,000 मिल जाए। दूसरी कंपनी के अंदर 15,000 में 6 महीने काम किया, तीसरी कंपनी में जाऊंगा तो मेरी वैल्यू और बढ़ जाएगी और मेरी सैलरी हो जाएगी 20,000, तीसरी कंपनी में 25,000। लेकिन देखने जाए तो आपने 3 से 4 कंपनियां बदल ली, आपका रेज्यूमे, आप जो बायोडेटा बनाते हो ना, उस बायोडेटा के अंदर अगर 10 साल के अंदर आपने 4 से ज्यादा कंपनियां बदली है तो 5वीं नौकरी मिलना आपके लिए 90% कैंसर। 10 साल में अगर 4 से ज्यादा आपने कंपनियां बदली है तो 5वीं कोई अच्छी कंपनी में आपको नौकरी नहीं मिल सकती। तो जिंदगी के अंदर शॉर्टकट ना ढूंढ के हम हार्ड वर्क के अंदर बिलीव करें। कहते हैं जब तक आप रातें नहीं जाओगे आपका नसीब नहीं जा सकता, आपको रातें चलनी पड़ेगी नसीब को जाना, और नसीब उसका साथ देता है जो पुरुषार्थ में विश्वास करता है।